हुआ था पूरा तो कैसे क्या कितना कैसे क्या हुआ था सर? हम लोग भी दोनों दोस्त हैं, इनके लिए भी दोस्त लाए थे, पैसे वाले दोस्त। हम लोग दोनों गरीब थे, फिर हम रातों रात बनना चाहते थे, थोड़ा अच्छा आदमी अगर किसी का बिगाड़ के बनना चाहते थे। सर हम लोग खुद ही बिगड़े हैं, हम क्या आपको बताएं। कितनी फिरौती मांगी थी? 50 लाख। हत्या क्यों कर दी, क्या वजह थी? क्योंकि वह हत्या इसलिए कर दी कि मेरा दोस्त फंस जाता था। हत्या जो इसका पार्टनर जो था, जिसको लेके आया था, हत्या नहीं करता तो हम मांग नहीं पाते। कौन था दोस्त इनका? वही क्या नाम है, सोनू है कि मानू? सूरज। हो सकता था कि पछतावा हमको है कि वो जिंदा होता तो मिलता, कुछ न कुछ देते वो लोग। और भी लोग शामिल है इसमें? कोतवाली नगर में कल जो वादी हैं बूदीलाल गौतम, इनके छोटे बेटे का अपहरण हो गया था। अपहरण के बाद जो अपहरणकर्ता है वो रफीक बनकर के 50-60 लाख रुपए फिरौती का डिमांड किया था। इसी क्रम में थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया। लगभग 7:30 बजे उन्होंने कंफर्म किया कि उनके पास एक बात हुई है रफीक नाम के व्यक्ति से, जो उनके भाई का फ़ोन यूज कर रहा है, और उसके बाद उसने कहा कि आपके भाई का अपहरण हो गया, 50-60 लाख रुपए तैयार रखिएगा। इसी क्रम में मुकदमा लिखा गया थाना कोतवाली में, और तत्काल सीओ और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। 60 सर्विलांस की टीमें सभी लगाई गई, और जो कोतवाली की टीम थी वो सब लग करके लगातार टावर डेटा डंप और हमारे जो सर्विलांस टीम है उनके बारे में और मैनुअल इंटेलिजेंस, लोगों से पूछताछ और बहुत सारे संपर्कों से जानकारी करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया। इसमें दो व्यक्ति जो मूल रूप से प्रकाश में आए, सत्येंद्र कुमार और नागेंद्र कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से मृतक का मोबाइल फ़ोन, आला कतल जो सामान था तावा वो बरामद किया गया, गमछा बरामद किया गया, मृतक का चप्पल बरामद किया गया, और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर, जिससे ये मृतक को उसके घर से बुला के ले गए थे और बाद में बॉडी को नाले में ले जाके डालने में इस्तेमाल किया था, वो सब बरामद किया गया है। पूछताछ में पूरा घटनाक्रम जो निकल के आया वो इस तरीके से था कि जो सत्येंद्र है, सत्येंद्र कुमार, वो मृतक का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, और ये और नागेंद्र जो बहराइच का रहने वाला है, ये आपस में संपर्क में थे, काफ़ी समय से संपर्क में थे, और 3 महीने से सत्येंद्र ने एक सरस्वती विहार कॉलोनी में मकान ले रखा था, वहीं पे किराए पे रहता था, जो मृतक के कॉलोनी से थोड़ी ही दूरी पे है। वहाँ पे इन लोग का लगातार एक दूसरे के घरों में आना जाना था और आपसी संपर्क था। नागेंद्र और सत्येंद्र, जब सत्येंद्र के मामा कुरीलपुर में सफदरगंज बाराबंकी में रहते हैं, वहाँ 13 तारीख को सत्येंद्र के मामा के लड़की की शादी थी। वहाँ इन लोगों ने प्लान बनाया, सत्येंद्र और नागेंद्र ने, कि पैसे की चूंकि कमी है तो क्यों ना कुछ ऐसा घटना किया जाए जिससे ज़्यादा पैसे मिल जाए। इसी क्रम में इन लोगों ने कल उस लड़के को अपने घर पे बुलाया, कमरे पे, वहाँ पे इन लोगों ने दारू पार्टी किया, उसको भी ज़बरदस्ती पिलाया, और उसके बाद उसे कहा कि अपने परिवार वालों से पैसे मांगो। जब उसने पैसे मांगने से मना किया और बताया कि उसकी माँ बाहर है और अभी पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो जो नागेंद्र है इसने उसके सर पे तवे से वार किया, जिससे अनकॉन्शियस हो गया, और बाद में सत्येंद्र ने उसका गला दबा करके हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को उन लोगों ने वहीं बेड के नीचे डाल दिया। डालने के बाद पुनः जो इनकी रिलेटिव बहन है उसके यहाँ दिन में खाना खाने आए और खाना खा के फिर वापस गए। रात में करीब 12:30 बजे इन लोगों ने बॉडी को निकाला अपने घर से